हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ मीनू नागर, और एक बार फिर से मीनू नागर फैमिली व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, सुबह के हो रहे हैं 4:30, और तुम्हें पता ही है 4:30 बजे ही हमारी तो सुबह हो जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा सा सभी का देखना पड़ता है। पापा जी भी जाते हैं जॉब के लिए, और ये भी जाते हैं सारे भाई, तो उनके हिसाब से थोड़ा जल्दी लगना पड़ता है सुबह सुबह, और बच्चे भी स्कूल के लिए जाते हैं तो इसलिए थोड़ा हमें जल्दी उठना होता है। और जैसे बच्चों की छुट्टी वगैरह होती है तो हम थोड़ा लेट भी उठ जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। उससे ये है कि इनकी छुट्टी है और बच्चे की छुट्टी साथ में होती है, संडे की छुट्टी रहती है सबकी, तो संडे के दिन तो हमारा ये है कि 6:30 बजे से आराम से हम उठते हैं। तो देखिए जी, तो आपसे बातें करते करते मैंने चूल्हे की राख उठा दी है। सबसे पहले मैंने उठाई है चूल्हे की राख, और अब मैं इसकी लिपाई पुताई करूँगी, और नेहा लगी हुई है अंदर झाड़ू पोछे में। और लविक छोटा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए मनीषा को हम सुबह जल्दी उठाते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को एक संभालने के लिए चाहिए, और तब हमारा काम हो तो क्या फ़ायदा है फिर। तो मैंने कहा चल तू थोड़ा सा लेट ही उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बहनों का फ़ायदा ही क्या है, यही है, हम बहनें हैं तो हम समझते हैं, बस ये है, तो इसलिए हम उससे मनाई कर देते हैं। तो जी, और आज का खाना जो भी है यहाँ पे बनाऊंगी मैं मिट्टी के चूल्हे पर, बाहर ही। एक तो सर्दी होने लगी है हल्की हल्की सी, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह, हल्का हल्का मौसम सर्दियों जैसा होने लगा है। और दिवाली के बाद तो खैर ठंड पड़ने ही लगती है, लेकिन अभी थोड़ी कम है, हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो चुकी है। और बच्चों को ये डिमांड हुई थी रात की, मम्मा हमारे लिए लंच में छोले चावल देना कल, तो उनकी पसंद से आज हम बनाने वाले हैं छोले चावल, तो कर लेते हैं बाहर से साफ़ सफाई यहाँ से, और फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे जाके हमारी एक गैया है, उसका दूध निकालना होता है और न्यार वगैरह करना पड़ता है, तो नीचे के झाड़ू पोछा वगैरह हम सुबह ही निपटा देते हैं सारे काम, क्योंकि फिर मुझे पार्लर शॉप पे जाना होता है, और जो मतलब बाद में घर पे रह जाते हैं उनके लिए खाना जो बनता है तो वो ये दोनों बहन मिलकर कर लेती हैं। तो जी, मैं रख देती हूँ छोले उबलने के लिए, और छोले ना मैंने रात ही भिगो के रख दिए थे, तो पहले मैं रखूँगी छोले उबलने के लिए, और इंडक्शन पर अंदर रख देंगे चावल। तो इसी तरह से कर लेते हैं फटाफट सारी तैयारियाँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। तो देखिए जी, मैं 4 बजे उठी थी, और अब हो चुके हैं 4:49, टाइम का पता ही नहीं चलता कब इतनी जल्दी टाइम हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से सुबह का टाइम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी होता है, तो मैंने रख दिया अभी चाय उबलने के लिए। Thank you.
तो जी सुबह सुबह हमारे यहाँ पे सारे में झाड़ू लग चुकी है, अंदर घर में भी और गली में भी लगा चुकी हूँ मैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद जाऊँगी मैं ऊपर, फटाफट से लग जाऊँगी लंच बनाने की तैयारी में। और नेहा निकालेगी दूध गैया का, यही रूटीन लगा रहता है दोनों बहनों का सुबह सुबह हमारा, तो इसी तरह मिलके निपटा लेते हैं दोनों बहन सुबह सुबह का सारा काम। तो जी काम करते करते सुबह के 6 बज चुके हैं और नागर जी और पुलिस भैया भी उठ चुके हैं, तो वो जाएंगे गाड़ी ये लेके, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो, हम जॉब के लिए निकलेंगे दोनों भाई। तो इधर हमारा छोले में भी तड़का लग चुका है और मैंने इसमें 1 या 2 आलू डाल दिए थे। देखिए हमारे छोले की सब्जी बन की हो गई है तैयार। उधर मैंने चावल इंडक्शन पर रख दिए थे तो चावल भी बन गए जल्दी से। सुबह सुबह तो ये देखना पड़ता है कहाँ कैसे फटाफट से काम हो जाए, कभी लेट ना हो जाए, नहीं तो चिल्लाने लगते हैं दोनों भाई सुबह सुबह। इनके कपड़े वगैरह भी देने पड़ते हैं और बच्चों को भी संभालना पड़ता है, गुस्सा भी जल्दी आने लगता है इनको जब इनके कपड़े वगैरह नहीं मिलते हैं टाइम से। तो इनके उठने से पहले पहले हमें लंच बनाने की तैयारी करनी पड़ती है दोनों बहनों को। तो जी ये देखिए हमारे छोले चावल बन के हो गए हैं रेडी और मैंने बच्चों के लिए टिफिन भी लगा चुकी हूँ। तो जी मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स, मैं सबके कमेंट्स करती हूँ। थैंक यू।